हाय निशान, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिच विशन यूएसए निशान। क्या टेल मी। क्या कहना चाहोगे निशान? सबसे पहले तो आपकी हेल्थ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बिग बॉस ओटीटी के घर से निकले, लेकिन उसके बाद फिर आप कहीं नजर नहीं आए। तो क्या हो गया था? कैसी है अब आपकी हेल्थ? कुछ नहीं, तो अभी ये जो 42 डेज का डिटॉक्स हो गया था, मतलब ओटीटी के, लिए, और उसके बाद सडनली बाहर आके वो था ना, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी के घर पे जो भी खाना हम लोग बनाते थे, ये तो एक आदत सी हो गई थी। और बाहर आने के बाद सब मेरी जितने भी फेवरेट फूड आइटम्स है सब मैंने एक साथ खा लिए। फिर फ्रेंड्स को मैं मिला, मतलब वो सारी चीजें हुई। तो आई थिंक मतलब थोड़ा पेट हजम नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत सारे वॉमिट्स होने लगी, थोड़ा सा वो फूड पॉइजनिंग जैसे हो गया, फिर लूज मोशंस, और तबीयत थोड़ी बुखार आ गया, तो तबीयत थोड़ी खराब हो गई क्योंकि सडनली बॉडी को शॉक मिल गया। बट कुछ नहीं, फिर दवाई ववाई खा ली और आई एम बैक। ग्रेट। और आपके फैंस आपकी झलक देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे। उन्हें जानना था कि निशांत कहाँ है, ना उनके इंटरव्यूज दिख रहे ना कुछ। तो आपने एक वीडियो भी जाहिर किया उनके लिए, जो बहुत ही खास था। निशांत, जरूर जानना चाहूंगी, बिग बॉस के घर में, ओटीटी के घर में आप थे, और अब डायरेक्टली मेन हाउस में जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी फीलिंग जानना चाहूंगी कि आपको पता था ये चीज पहले से कि आप अंदर जाने वाले हैं। नहीं, डेफिनेटली पता नहीं था कैसे कि एक्चुअली बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मैं फर्स्ट रनर अप बनूंगा, ये भी मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी हस्तियां थी शो पे और सबकी जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही है। तो उसमें से पता नहीं, मतलब मैंने तो वही किया जो मैं जनरली बाहर की दुनिया में जैसे हूँ, मैं तो वैसे ही रहा। सो आई थिंक वो लोगों को पसंद आया, तो वो मैंने सोचा नहीं था कि मैं रनर अप बनूंगा। सिमिलरली अभी ये बिग बॉस 15 के घर में जो जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, जब मुझे बताया गया मैं डर गया कि बोले बाबा ये तो एक एक अभी जस्ट खत्म किया है, अभी दूसरा सडनली कहाँ से शुरू करूं। और ऑफ कोर्स सलमान खान सर जो है, उनसे काफी फटती है मेरी, मैं बहुत डरता हूँ उनसे। तो वही एक है कि अभी पता नहीं, ये देखो एक बार जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो पता नहीं, क्योंकि प्लान तो मैंने पिछली बार भी कुछ नहीं किया था, तो इस बार भी कुछ नहीं करूंगा। आई थिंक जितना नेचुरली होता है उतना बेटर होता है। तो वही है, अभी फिलहाल तो फटी पड़ी है कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि ये अभी नेशनल टेलीविजन पे है, सारे मतलब पूरी दुनिया देखेगी इसको, तो बहुत डर पेट में होता है ना, वो बटरफ्लाईज आते हैं, गुड़गुड़ी हो रही है पेट में, वो वाली फीलिंग है फिलहाल। लेकिन निशान, जिस तरीके से आपने अपने ओपिनियंस पुट अक्रॉस किए बिग बॉस ओटीटी के घर में, बिल्कुल ऐसा देखकर लग नहीं रहा था कि आपने कभी कोई इस तरह का शो नहीं किया, या कभी आप किसी मतलब शो का हिस्सा नहीं रहे। आपके जो एक पुट अक्रॉस करने का जो तरीका था, वो बहुत ही सबको पसंद आया, और आपके ओपिनियंस काफी मैच करते थे। जो बाहर के व्यूवर्स है, जो बाहर से देख रहे थे शो को, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। सो क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है मेन हाउस के लिए जितने, क्योंकि वहां कंटेस्टेंट और भी ज्यादा होने वाले हैं, और आधे से ज्यादा इंडस्ट्री के ही लोग होते हैं, तो उस चीज को लेकर के क्या कहना चाहोगे? हजारों की भीड़ में आपकी आवाज दिख कर आ पाएगी, जिस तरह से ओटीटी के घर में दिख कर आई थी? अभी देखो जैसे मतलब आप जानते हो कि मेरा प्रोफेशन एक कोरियोग्राफर का है, तो मैं एक बंदा खड़ा रहता हूँ और 100 डांसर्स भी रहेंगे ना, तो भी मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचती है, क्योंकि वो मेरा कमांड है डांसिंग में। रही बात इस घर की, तो ऑफ कोर्स सबके ओपिनियंस और वो डिफरेंस रहेंगे, बट मेरी एक खासियत है कि मैं मतलब ये बाहर की जिंदगी में भी मैं लोगों की सुनता हूँ पहले, फिर मेरी ओपिनियन देता हूँ। मैं बिना सुने अपने चाचा करने वाला इंसान हूं नहीं, तो आई थिंक यही कोशिश रहेगी मेरी। और जहां पे सही है वहां पे सही है, जहां पे गलत है वहां पे गलत है, तो एक चीज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है, तो आई थिंक मैं वही करूंगा। और आई थिंक बाहर ऑडियंसेस को भी, क्योंकि मैं बिग बॉस का काफी बड़ा फैन रहा हूँ, मैंने सारे सीजन्स देखे, मतलब मैं तो पागल हूँ बिग बॉस के लिए वैसे, तो मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ लोग जैसे जनरली ओपिनियंस देते तो गलत जाते सही जाते, तो एक समझ है मुझ में। और वो आई थिंक मेरा जो प्रोफेशन है कोरियोग्राफी का, उसने मेरे को ये समझ में काफी हेल्प की है। सो वही मेरा एक शस्त्र है जो इस घर में मैं यूज करूंगा, बट डिपेंड्स ना कि सिचुएशन क्या आता है, क्या मुद्दा होता है, तो उस हिसाब से मैं उसको मतलब उसका जवाब दूंगा। बट अगर कुछ नहीं है तो मैं तो मस्ती मजाक मस्त वाला बंदा हूँ, तो मैं तो वही करते रहूंगा कि सबको एंटरटेन और करो तीन पांच और 3-5 देते रहो, वो बेस्ट है। क्योंकि मैं जनरली लाइफ में भी दोस्तों के साथ मेरा ना हंसी मजाक ही चालू रहता है, मैं अगर काम के स्पेस में भी हूँ वहां पे मेरी मीटिंग्स भी अगर चल रही है ना, तो मेरे बिना मीटिंग्स में जान नहीं आती, क्योंकि मेरा 3-5 चालू रहता है हमेशा,
मतलब भाई सीरियस टॉपिक हो, मैं कुछ ना कुछ मजाक मेरा चलते ही रहता है. सो आई थिंक वो है, वो मेरी एक पर्सनैलिटी है, और आई थिंक वो ही मैं वैसे ही शायद से रहूंगा. पर जहाँ पे बिग बॉस के टास्क और बिग बॉस की जो ड्यूटीज और वो सारी चीजें, वहां पे अपनी पूरी 110% शिद्दत दूंगा. सो कोशिश तो वही है, बाकी देखा जाएगा क्या होता है. इसमें आखिर तक गाड़ी चली, इसमें अगर बीच रास्ते बंद पड़ गई तो जिंदगी थोड़ी बंद पड़ेगी. यू नो देर आर बेटर थिंग्स एंड देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म है वो, उसमें पहुंचना ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो जीत हार का तो मैं सोच नहीं रहा हूँ फिलहाल. फिलहाल जाके एडजस्टमेंट करके क्या जंगल में दंगल होने वाला है वो देखने वाला हूँ. सो लेट्स सी. अच्छा निशान, जिस तरीके से आपने कहा कि आप प्रीवियस सीजन के भी बहुत बड़े फैन रहे, लॉयल व्यूअर रहे, सो किसी को आपने बहुत ज्यादा, किसी की परफॉर्मेंस आपको पसंद आई हो प्रीवियस सीजन में से, जिसे आप आइडियलाइज करते हो, या उनकी कुछ चीजें आपने अटैप की हो अपने गेम शो में, अपने गेम में? सी ऑनेस्टली मैं किसी को आइडलाइज नहीं करता इस शो पे, क्योंकि हर इस शो पे जो भी आता है यूनिक होता है. तुम वो अगर उन्होंने कुछ किया है तो तुम वो सेम चीज न्यू सीजन्स में नहीं कर सकते. बट यस, मेरे प्रीवियस सीजन्स में से मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट थी उर्वशी ढोलकिया. मतलब ये मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है. आई थिंक जिस तरीके से वो खेलती थी गेम और जिस तरीके से उनकी ओपिनियंस होती थी, आई थिंक मुझे वो बहुत पसंद थी. मुझे सिद्धार्थ शुक्ला काफी पसंद है, मुझे गौहर काफी पसंद थी, क्योंकि गौहर भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रांग ओपिनियंस रखती थी. मतलब वो, मतलब उनका भी झगड़ा काफी होता था लोगों से, लेकिन उसमें उनका मुद्दा जो होता था वो हमेशा क्लियरली वो पुट अक्रॉस करती थी. सो आई थिंक ये सारे खिलाड़ी है जो मुझे काफी पसंद है प्रीवियस सीजन से. और रही बात, अभी देखते हैं इसके बाद जब आगे का सीजन मतलब आएंगे, वैसे मेरे नए फेवरेट्स बनेंगे. लेट्स सी. एंड निशान, काफी सारे जो ओटीटी के कंटेस्टेंट है, आपके को कंटेस्टेंट, वो इस शो में जाने वाले हैं, लाइक प्रतीक होंगे, जिनके साथ आपकी दोस्ती, आपका ब्रोमांस हमको देखने को मिलता था शो के अंदर, और साथ ही साथ शमिता होने वाली हैं। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब जो प्रीवियस कंटेस्टेंट को जाने वाले, यहाँ तक कि दिव्या की भी खबरें हैं लेकिन अब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आउट हुआ है, तो कुछ कहना चाहोगे उस चीज को लेकर के, क्या कहोगे? क्योंकि उनके साथ आपने एक समय ऑलरेडी बिताया है, थोड़ा बहुत वो आपकी पर्सनैलिटी जानते हैं, आपके थोड़े बहुत मूव्स वो जानते हैं, तो किस तरह से, मतलब सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे, वो लोग साथ में मिलने वाले वहां पर भी? मेरे लिए ये बहुत एक अच्छा है, क्योंकि मैं मतलब प्रतीक मेरा काफी अच्छा दोस्त है. मतलब हम लोग जेन्युइनली हम लोग डे वन से उस शो पे दोस्त बने. रही बात शमिता की, तो इतना अच्छा हमारा स्टार्टअप हुआ नहीं उस शो पे, और काफी सारे मुद्दे हुए. बट टुवर्ड्स द एंड आई थिंक हमने काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली थी. और मेरा ये मानना है कि मैं बाइगॉन्स, मतलब जो एक चीजें हो जाती है वो उसको मैं पीछे ही छोड़ देता हूँ. जैसे मैंने शो के एंड में भी करण जौहर को कहा था कि वट एवर हैपन्स इन बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस. तो आई थिंक उधर के मुद्दे, उधर की सारी चीजें, वो मैं सब उधर छोड़ दी है मैंने. ये इनके साथ अभी, क्योंकि आई थिंक उनके भी नाम बाहर है, तो शमिता और प्रतीक के साथ एक नई जर्नी होगी. क्या पता इस जर्नी में क्या नया हो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अलग होने वाली है. सो उस हिसाब से मेरा रिएक्शन होगा. सो आई डोंट नो, बट यस, बेसिक नेचर वो मेरा जानते हैं, मैं उनका जानता हूँ. और मैंने जैसे मैं बाहरी दुनिया में भी अपने स्टैंड वैसे लेता हूँ, जैसे मैंने बिग बॉस ओटीटी में भी अपने स्टैंड लिए जहाँ सही या गलत मुझे लगा, और वैसे ही मैं सेम चीज इस घर में भी करूंगा. बस आई एम, दिस इज द वे आई एम. सो आई थिंक यही लेके चलूंगा. अगर फिर पटी तो पटी, नहीं तो नहीं पटी, मतलब फिर वो तब का तब देखा जाएगा. बट यस, दे बीन ऑन द शो इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, क्योंकि थोड़ा मैं डरा हूँ फिलहाल कि क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं. बट उन दोनों का साथ होते वक्त तो एक थोड़ा वो लगेगा कि चलो कोई तो है अपने जिनके साथ हम आगे तक बढ़े. बट एंड ऑफ द डे मेरा इस सीजन में भी यही रहेगा कि गेम इज अ गेम और आई एम हियर टू प्ले द गेम. सो लेट्स सी. निशांत, जरूर जानना चाहेंगे कितनी एक्साइटमेंट है, जल्द ही आप शो में एंटर होने वाले हो, कुछ अगर अपनी स्ट्रेटेजीज या अपने गेम प्ले या फिर कुछ बताना चाहे कि आप कितने डिफरेंट दिखने वाले हो ओटीटी से? देखो मैं कुछ डिफरेंट नहीं करने वाला हूँ एक्चुअली. तुम बिग बॉस का घर कैसे पता है, मतलब तुम कोई चीजें ना फेक नहीं कर सकते. तुम 1 या 2 दिन या 3 दिन तुम मतलब कोशिश कर सकते हो कुछ करने की, लेकिन जो वो होता, जो आपकी पर्सनालिटी है वो दूसरे तीसरे दिन से बाहर आना शुरू होती है. तो मैं कुछ नहीं, मेरे लिए बिग बॉस एज एन अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो मुझे बिग बॉस जीना है. मतलब अभी 6 वीक्स के लिए जिया, अभी पता नहीं मेरी जर्नी कितनी लंबी चलेगी, लेकिन अगर जितनी लंबी चलेगी उतनी मैं बिग बॉस को मैं जीऊंगा. सो मेरा तो एम वही है. बाकी जो भी शो में होता है वो तो होते रहेगा.
बाकी निशांत, आपकी पर्सनालिटी जो एज अ कोरियोग्राफर आप इंट्रोड्यूस हुए हमेशा से, उन्हें उस जगह पर तो आपको बहुत प्यार फैंस का मिला है, लेकिन जिस तरीके से ओटीटी के थ्रू आपकी पर्सनालिटी दिखी लोगों को और फिर आपके एक और फैन बेस बना है, सो क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्सपेक्टेशन है इस शो में भी आपको फैंस उतना ही प्यार देंगे, क्योंकि आपकी गेम प्ले को बहुत पसंद किया है फैंस। देखो जनता का लाइक एक एक बहुत मैं लकी हूं कि मैंने इसके पहले भी जो डांस शोज किए उसमें ऑडियंसेस ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। आई थिंक ऑडियंस को एंटरटेनमेंट पसंद है, उनको जेन्युइननेस पसंद है आई थिंक, और मैं वही हूँ। लाइक डांसिंग में भी मैं एंटरटेनमेंट ही देता आया हूँ, इसके वजह से आई थिंक मैं वो शो जीता और ऑडियंसेस ने मुझे तब जिताया था। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है क्योंकि मेरे लिए नया, और बिग बॉस तो पहली बार हो रहा है मेरे लिए। ओटीटी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म था, लेकिन बिग बॉस 15 इज गोइंग टू बी ह्यूज, ठीक है। तो मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बट मैं सिर्फ ऑडियंसेस को हमेशा जाने जाते मतलब जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा और मैं अंदर नहीं जाऊंगा तब तक मैं सारी ऑडियंसेस को यही बोलूंगा और कैमरा पे चिल्ला चिल्ला के ये कहूंगा कि गाइस प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज सपोर्ट मी। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि जेन्युइनली डर लग रहा है, बट लेट्स सी। ओके, सो निशांत, आपके वन लाइनर्स और आपके जो वन वर्ड्स होते थे जो आप हमेशा किसी ना किसी कंटेस्टेंट के लिए यूज करते थे, उसे देखकर फैंस बहुत एंटरटेन होते थे, सो ये सब भी देखने को फैंस को मिलने वाला है, कुछ उनके लिए आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे फैंस और ऑडियंसेस को ये कहूंगा कि देखो मुझे एंटरटेनमेंट बड़ा मतलब मैं खुद को एंटरटेन करना काफी पसंद करता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब मैं इस घर में जाऊंगा, हेलो, जब मैं इस घर में जाऊंगा मैं सभी लोगों, सभी कंटेस्टेंट, सभी घर वाले, सलमान सर इंक्लूडिंग, सबको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी तो आप देख लीजिए। और वो कैसा है, वो इम्प्रॉम्प्टू होता है, वो ऐसे कुछ प्लान नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से जो मेरे मुंह से निकलता है मैं बकते जाता हूँ, बिकॉज वो फीलिंग जैसे आती है वैसे मैं बोल देता हूँ। तो वही है मेरा, और देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि ये भी जर्नी मेरे लिए उतनी ही मेमोरेबल रहे जितनी बिग बॉस ओटीटी की जर्नी रही है। सो लेट्स सी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच निशान फॉर थैंक टॉकिंग यू टू अस, सर, एंड सेम ऑल द हियर, वेरी बेस्ट फॉर द हाउस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी मच, यू, टेक सी यू, सी केयर, थैंक यू, बाय बाय। यू टू, यू टू, बाय बाय। हाय, दिस इज दिव्यांका त्रिपाठी दहिया एंड यू आर वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए। कीप वॉचिंग।